जय जोहर संगवारी हो, मैं हूं नवीन और आपन देखत हो न्यूज 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर पर हम बात करथन छत्तीसगढ़ के वो खबर जो दिन भर सुर्खी में बने रही। तो बात करें प्रदेश में बढ़त जाड़ के, तो अही बीच बता दिन कड़ाके के ठंड पड़त है। फिर इतना ठंड पड़े के बाद भी प्रदेश के कई मंत्री मन के पसीना छूटत है। बता दें कि दाऊ यानी भूपेश बघेल कल दिल्ली जाए से पहली ऐसे बात बोल गई कि कई मंत्री मन के नींद हराम हो गए है। दाऊ जी कही कि अगर आला कमान चाहिए तब मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकत है। ढाई ढाई बच्चर वाला पिक्चर खत्म होए के बाद ये नवा बयान खलबली मचा दिए है। अंदर के खबर ये है कि पाछू कई महीना ले 3 से 4 मंत्री ला लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक मन भारी परेशान है। कई विधायक मन का एला लेके मोर्चा भी खोल दिए रहीं और शिकायत रूपी पत्र सीएम ला लिखे रहीं, जरा आपो मन देखे सुने होगा। फिलहाल दाऊ दिल्ली में है, वहाँ आला कमान से भेंट कर ए विषय में चर्चा करी कि नहीं करी अभी कुछ कहे नहीं जा सके। फिर दाऊ के जेन तेवर दिल्ली जात बेरा दिखीस ओकर चलत दाऊ के कई प्लेयर मन ला टीम से बाहर हो के डर सताए लगत है। राजनीतिक गलियारा में तो यहाँ तक चर्चा है कि 3 से 4 मंत्री के पत्ता जल्द कट सकत है। फिलहाल दाऊ दिल्ली के बाद लखनऊ और लखीमपुर खीरी चुनावी सभा में शामिल हो जाही, जहां दाऊ है प्रियंका गांधी संग मंच साझा करी। बता दिन क्या संझा दाऊ है राहुल गांधी ले मुलाकात करी। राहुल गांधी है 3 बच्छर पूरा हुए में कांग्रेस की सरकार के 3 बच्छर पूरा हुए में दाऊ ला शुभकामना घलोक दीस। अगर आप मन हाल फिलहाल शिमला कश्मीर जाए के सोचा था तो ये प्लान ला तुरते रद्द कर देवा, काबर की अब शिमला के मजा आप मन छत्तीसगढ़ में ही ले सकत हो। बता दें कि उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में ठंड अपन पूरा सबाब में है। आलम यह है कि अंबिकापुर शहर के तापमान 5 डिग्री से नीचे चलत है, तो वहीं सामरी पाट मैनपाट इलाका के तापमान 2 डिग्री के करीब दर्ज करे गए है। लोग जहाँ गर्म कपड़ा और अलाव के सहारा लेते वहीं पाला जमे के घटना आगू आवा थे। यही बीच पर्यटन स्थल मन में पर्यटक मन के भीड़ मौसम के आनंद ले पर पहुँचे लगी। बता दें कि सरगुजा संभाग में हर साल कड़ाके के ठंड पड़ते और सरगुजिया ठंड हाड़ कपा देने वाला रही थे। बता दें कि उत्तरी क्षेत्र से जो हवा आवा थे ओकरे कारण इलाका में शीतलहर के चपेट में है पूरा इलाका, जहाँ ठंडा हवा के कारण लोगन मन गर्म कपड़ा लपेट के ठंड से बचने के जुगत में है। तब वहीं बिहनिया शाम अलाव के सहारा घलोक लहे जाते। अंबिकापुर शहर के तापमान जैसे हम बताएं कि 5 डिग्री के नीचे पहुँच गए है। सामरी पाट जसपुर इलाका में 2 डिग्री तक पहुँच गए है तापमान वहाँ के। ऐसे ठंड लगातार बढ़त ही जाते, मौसम विभाग के मानिन तो अवैया 3 से 4 दिन अही स्थिति बने रही। एकर बाद पश्चिमी विक्षोभ के बने के कारण ठंड में कुछ ब्रेक लग सकत है, लेकिन ए बीच मैनपाट और सामरी पाट इलाका में पाला जमे के खबर भी आगू आवा थे। सुबह के ओस के बर्फ के रूप ले लेवा थे, तो ही ठंड के मजा ले है लोगन मैनपाट जैसे पर्यटन स्थल में भी पहुँचा थे। बता दें कि मैदानी इलाका में भी पारा कम हुए थे। हम बिलासपुर रायपुर के बात करें तो रात के तापमान 6 से 7 डिग्री तक पहुंच जाते। वहीं कई जगह और ऐसे है छत्तीसगढ़ में जहां पर्यटक मन ठंड के मजा ले जावा थे। जैसे कवर्धा जिला के हम चिल्फी घाटी के बात करें तो वहाँ भी पारा काफ़ी नीचे पहुंच जाते, वहां भी लोगन पर्यटन पहुँचे शुरू कर दिए है। तो शिमला और कश्मीर अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप मन कवर्धा मैनपाट सामरी पाट अंबिकापुर जा सकत हो, जहाँ ठंड के लुफ्त ले सकत हो। बता दें कि ठंड ल लेके ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है कलेक्टर मल्ला कले निर्देश दिए है कि प्रदेश में शीतलहर के चपेट में है, ऐसन में लोगन मल्ला असुविधा न हो कर बद अलाव के व्यवस्था करे जाए। जो गरीब मन है जो फुटपाथ में रहते या जो स्टेशन के आसपास रहते उन पर कंबल के पर्याप्त व्यवस्था करे जाए।
बता दिन कि ठंड लही लेके एक दुखद खबर भी हमला आज देखे ला मिली। बता दिन बिलासपुर ले रतनपुर जाए वाला जो बाईपास है वहाँ एक 70 बछर के सियान के ठंड के चलत दुखद निधन हो गए है। बता दिन कि फुटपाथ में कापत बैठे रही से एक सियान तेला देख के राहगीर मन देखीस कि एक स्थिति ठीक नहीं है ठंड के कारण, तो जैसे तैसे ओला रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले वहाँ से ओला रेफर कर दे गई बिलासपुर सिम्स। और दुख की खबर यह है कि रद्दम और लात समय ही उस सियान के दुखद निधन हो गए। तो ठंड के चपेट में है पूरा छत्तीसगढ़। बता दें कि कई जगह पारा 5 डिग्री ले भी कम आ गए है, जैसे हम बताएं कि मैन पार्ट सामरी पार्ट में 2 डिग्री के आसपास पारा है। ये ठंड में आप मन भी अपन सहयोग कर सकत हो, गरीब लोगन मन के सहयोग कर सकत हो, जान बचा सकत हो, ठंड से ओकर रक्षा कर सकत हो। न्यूज 36 और मोर खासकर अपील है कि जब भी आप मन घर ले बाहर निकलत हो तो आपके घर में जो भी पुराना कपड़ा है, गर्म कपड़ा है, स्वेटर है बच्चा मन के, आप मन के स्वेटर है जो पुराना जो अनुपयोगी हो गए है या कंबल है तेना आप मन चाहे कोनो मन ही निकलत हो, स्कूटी में निकलत हो ही या कार में निकलत हो तो ओला रख ले रहो और जहाँ भी जरूरतमंद दिखाए आप मन ला ओला दान जरूर करो। ठंड से बचाव पर कर गरीब मन के दान जरूर करो। तो ये तो रही से प्रदेश में ठंड के हालात। अब बात करबो धोखेबाज कर्मचारी के। कल हमला दीपिका में कोरबा के दीपिका में ऐसे खबर मिले रही से कि एक कर्मचारी से के आँखी में मिर्चा डाल के 5 लाख रुपये के लूट हो गए। बता दें कि वो खबर पूरा तरीके से झूठा रही से दीपिका पुलिस अब 5 घंटे के भीतर ही खबर के पर्दाफाश कर दी। बता दें कि अपन मालिक से ही गद्दारी करके 5 लाख रुपया लूट के साजिश रचैया युवक ला दीपिका पुलिस महज 5 घंटा में गिरफ्तार करे में सफलता पाए। आप बता दें कि बाकी मोगरा निवासी चमन पात्र है अपन मालिक विनोद अग्रवाल ने कल दोपहर बाकी मोगरा बैंक ले 5 लाख रुपए निकाले के बाद लूट होए के सूचना दे रही है। जिन रिपोर्ट के आधार में पुलिस अब जब बारीकी से जांच करी तो नौकर ही आरोपी निकली। बता दें कि पुलिस मामला के खुलासा करते हुए बताईस कि आरोपी चमन पात्र है 5 लाख रुपया देख के नियत बदल गई और अपन साथी जुबेर के संग मिल के घटना ला अंजाम दिए रही और झूठा कहानी गढ़े रही है। पुलिस जैसे ही घटना के सूचना मिली पुलिस इलाका के सीसीटीवी फुटेज खंगाले लगी और सीसीटीवी फुटेज के आधार में ही पुलिस ला शक हो चमन पात्र ऊपर और कड़ाई से पूछताछ करने पर चमन पात्र अपन जुर्म ला कबूल ली। तो बता दें कि दीपिका मा इलाका मा जो लूट के वारदात का लारी से आगू ते छूटा निकली था। इसमें अलग अलग टीमें काम कर रही थी, खासकर जो रूट है जिस रूट से प्रार्थी बैंक से पैसे निकाल के जा रहा था और जहाँ घटना घटी है उस एंगल में सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। दूसरा बैंक के भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए, कोई व्यक्ति इनके पीछा तो नहीं कर रहा है। साथ में सीसीटीवी फुटेज के अलावा उनके बैकग्राउंड पृष्ठभूमि को भी देखा जा रहा था और पूरे जिले में अलग अलग जगहों पे जहाँ पे स्कैपिंग रूट है सभी जगह नाकाबंदी पॉइंट लगाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज पे देखने पर से यह पता चला कि प्रार्थी के साथ साथ पैरेलली एक मोटरसाइकिल सवार आदमी भी चल रहा है जो 4-5 लोकेशन पे अलग अलग जगह दिखा और एक जगह जब उसके चेहरे में जब क्लियर दिखा कि वो उसकी पहचान हुई तो उसको पता कराया गया कि व्यक्ति कौन है। बाद में जब कुछ लोगों से पूछताछ करने पर यह चीज़ क्लियर हुआ कि जो जिस व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है वो लोनगिर्रा थाना करतल क्षेत्र का रहने वाला है और मोहम्मद जुबैर है जो प्रार्थी चमन कुमार का ही पहचान का है, उसका दोस्त है। तो हमारे जांच का एंगल इसमें अलग एक सेपरेट हुआ और लगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति साथ में लोग मिल के अपराध घटित किए हैं और कड़ाई से जब पूछताछ की गई, सारे एविडेंस जब दिखाया गया तो प्रार्थी यह स्वीकार किया कि दोनों ने मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था, मतलब इसको कहानी गढ़े थे और 5 लाख रुपया लूटने के लिए इन्होंने ऐसे प्लानिंग बनाई थी और इसमें
₹5 लाख, 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल और दोनों आरोपी चमन कुमार पात्रे और मोहम्मद जुबैर को रिमांड पे लिया गया। तो 5 लाख रुपया नगद देख के कर्मचारी चमन पात्रे के नियत डोल गए। बता दिन की बाकी मुंगा बैंक ले पैसा निकाल के जब आवत रही से तो मालिक दीपक अग्रवाल है, विनोद अग्रवाल है, 5 लाख रुपए निकाले भेज रही से बाकी मुंगरा बैंक में। जैसे ही ओकर हाथ में 5 लाख रुपया नगद आई तो ओकर नियत डोल गए और अपन दोस्त मन संग मिल के और अपन दोस्त जुबेर संग मिल के ये झूठा कहानी गढ़ीस, लूट के झूठा कहानी गढ़ीस। कहीं की ओकर संग लूट हो गए, आंखों में मिर्चा डाल के बाइक सवार मन लूट के घटना ला अंजाम दे रही से। फिलहाल मामला के पटाक्षेप हो गए, पुलिस आरोपी चमन पात्रे और ओकर दोस्त जुबेर ला गिरफ्तार कर लिए है। तो ये तो रही से बाकी मोंगरा के गद्दार कर्मचारी के खबर। अभी मौका है छोटकुन ब्रेक लेहे के। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के आओ जबर खबर में अमन फिर नजर डालबो, फिर आप मन से गोद बात करबो। रुकत हन छोटकी ब्रेक पर। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर, अब नहीं है कोनो फिकर। आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के, देखाओ खबर हकन के। हाँ मैं छत्तीसगढ़िया, मेहनत कश है मोर पहचान, कला संस्कृति के यहाँ है खदान, मड़ई मेला हमर शान, चंदन कस माटी हमर है जान, जल जंगल के हमर मयारू, नर नारी सब एक समान, गीत संगीत के रंग बखान, हमला देखे दुनिया जहान, सुग्घर बोली सुग्घर काया, छत्तीसगढ़िया हन हम, सबले बढ़िया हन हम। देखो आपके अपन चैनल न्यूज 36। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है। तब बात करबो अब एक दुखद हादसा के, दुखद घटना के। बता दें कि बलरामपुर के सामरी पाठ में अपन खलिहान में धान के फसल के रखवाली करत दू सियान दंपत्ति के जल के मौत हो गए। बता दें कि दोनों सियान मन अपन खलिहान में धान के रखवाली करत रही से, वही बेरा गोरसी में आगी तापे बर रखे रही से, रात के अचानक उन के गोरसी ले धीरे धीरे भभक के आगी बढ़त गई और चपेट में आके दोनों सियान दंपत्ति के मौत हो गए। बता दें कि सामरी पाठ के घटना जिहाँ मरियानुस बड़ा पति और पत्नी विजय बेग के दुखद निधन हो गए हैं, दोनों के जल के मौत हो गए। बता दें कि पत्नी विजय बेग के तो मौका में ही मौत हो गई से, मरियानुस बड़ा जो पति रही से तेला अस्पताल ले जाए गई से, जहां इलाज के दौरान वह दम तोड़ दी। बता दें कि इलाका में एक घटना के बाद शोक के लहर है पूरा मामला में। सामरी पाठ पुलिस मर्ग कायम कर ली है और पुलिस आगे के जाँच करत है। बता दें कि किसान दंपत्ति के मौत से इलाका में शोक के लहर है।
तब बात करबो अपन वीडियो देखथन कई सारा हमार व्हाट्सएप में थे, कई सारा हम इंस्टाग्राम में देखथन, फेसबुक में देखथन, मगर एक वीडियो ऐसे हमार छत्तीसगढ़ ले के कोरिया के मनेनगढ़ ले निकल के आए बेंद्रा और कुकुर के वीडियो। ये वीडियो ला मन आप मन दिखाना चाहबो, बता दें कि इलाका में जो बेंद्रा मन है ते कुकुर पिला ले के पाछू पाँच छः दिन ले घूमते अपन साथ ही रखा थे, उन्हें छोड़ा नहीं है। जैसे आप वीडियो में देखा तो कि बेंद्रा नान कुन कुकुर पिला ला धरे हुए है, छत में बैठे हुए है, कभी वही छत में कभी वो छत में लेके जाते, और इलाका में पूरा घूमत है चार पाँच दिन ले, लोगन मन कैतूहल के विषय बने हुए है, ओला खाना भी खिलाते और अपन साथ रखते। अमूमन हमन देखन कि कुकुर और बेंद्रा के जो दुश्मनी रही थे, मगर आप मन जैसे तस्वीर में देख सकत हो ये मनेनगढ़ कोरिया के तस्वीर है, जी हाँ, बेंद्रा दल मन कुकुर पिला ला अपन साथ रखे है, ओकर रक्षा हिफाजत करे तो खिलाते पिलाते, अपन बच्चा संग बच्चा जैसे पेट में लपेट के ले जाते, ए पार ले ओ पार कूदर कूदर, तो जैसे तस्वीर में आप मन देखत हो नान कुन पीला है। लोगन मन के कहना है कि पाछू पाँच छः दिन ले इलाका में बेंद्रा है, वो पीला ला धर के अपन सांग रखे हुए है, ओला छोड़त नहीं है। लोगन मन कोशिश भी करी से ओला छुड़ाए के, मगर वो अपन संग लेके एती ले ओती उधम मचाते और ओला छोड़त नहीं है कुकुर पीला ला। तो वीडियो कैतूहल के विषय बने हुए है, आज दिन भर सोशल मीडिया में काफ़ी शेयर भी हुए वीडियो। मनेनगढ़ के रेलवे इलाका के जो वीडियो आप मन देखा था, मनेनगढ़ के रेलवे इलाका के वीडियो है, जी हाँ, बेंद्रा दल मन नान कुन पीला ला अपन संग रखे है, ओकर पाछू पाँच छः दिन ले लोगन मन देखा था कि ओकरे संग ओ पीला हवा। तो मनेनगढ़ के कोरिया ले ये वीडियो हमला मिले है, जेमा बेंद्रा कुकुर पीला ला अपन साथ रख के घूमत है, ओला छोड़त नहीं है, अपन बच्चा बरोबर ओला प्यार भी करत है, दुलार भी करत है, जैसे अपन वीडियो में देख सकत हो। मनेनगढ़ के रेलवे इलाका के ये वीडियो है, बता दें कि वहाँ इलाका के लोगन मन के कहना है कि पाछू पाँच छः दिन ले ये बेंद्रा और कुकुर के पीला ला अपन बच्चा बरोबर रख के ओकर खाना खिलाते, ओला अपन से अलग नहीं होने देते। अबे पलट में पीछे पीछे पलट। तो कल नगरी निकाय चुनाव खत्म हो गए, मगर ओकर जो घमासान है वो अभी खत्म नहीं हुए है। बात करबो भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यालय में हुए तोड़फोड़ और मारपीट की घटना के, जिन अब तूल पकड़त जाते, चुनाव होए के बाद भी ये घटना तूल पकड़त जाते। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील बबला पाड़ी और कई कांग्रेसी पुलिस विभागों पर भेदभाव कार्रवाई के आरोप लगाते हुए थाना के ठीक आगू धरना में बैठ गए। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा भाजपाई के संग मार मिल के षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेसी से मारपीट करे गए है, एक बाद कांग्रेसी मन के ही खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर लिए है। कांग्रेस के आरोप है कि ऐसा लोगन ऊपर मामला दर्ज करे गए है, जिन मन ए मसला ला सुलझाए के प्रयास करत रही है। कांग्रेसी मन आरोप लगात कही कि ये जम्मू मामला फर्जी है, जब तक इला वापस नहीं ले जाही तब तक, जब तक भाजपाई मन ऊपर कार्रवाई नहीं करे जाही तब तक मन थाना के आगू धरना में बैठे रही। बता दें कि धरना में बैठे और लगभग एक घंटा बाद भाजपाई के दल भी थाना के आगू पहुंच गई, दोनों पक्ष के बीच जम के नारेबाजी होने लगी। भाजपा नेता मन आरोप लगाई कि ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट के धारा लगाए गए, एक सामान्य घायल व्यक्ति ला स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के इशारा में रायपुर रेफर करे गए ताकि फर्जी केस ला मजबूत करे जा सके, ऐसे भाजपाई मन के आरोप है। भाजपाई के दल एकर बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और वहां युवक ला रेफर करे वाला डॉक्टर के खिलाफ भी जम के नारेबाजी करी। DMO और उक्त डॉक्टर से बात करे के बाद भाजपा दल फिर से थाना के समक्ष और स्वास्थ्य पहुंच के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के पुतला दहन भी करी।
भादु प्रतापपुर नगर में फिलहाल ये मामला ले के तनाव की स्थिति बने हुए है। नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 9 में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ मारपीट की घटना तूल पकड़ जाते भानु प्रताप इलाका में। बता दें कि भाजपा और कांग्रेस की दोनों एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते कांग्रेस से कहना है कि पुलिस भेदभाव पूर्ण कार्रवाई करे थे। वहीं भाजपा वाले मन के कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के इशारा में फर्जी केस बनाए गए हैं और जो एक व्यक्ति रेफर करे गए हैं। बता दें कि मामला लड़े के भाजपा मन डॉक्टर के खिलाफ भी जम के नारेबाजी करी। बीएमओ और डॉक्टर से बात करे के बाद भाजपा दल फिर थाना के समक्ष पहुँच के टी एस सिंहदेव के पुतला दहन चालू करी। तो ठंड के मौसम में ये रही गर्मा गर्म खबर, दिन भर के जबर खबर। अभी देवो मुला इजाजत, कल अही बेरा फिर आप मन से मुलाकात करबो, गोट बात करबो छत्तीसगढ़ के दिन भर के बड़े खबर में, जबर खबर में जिन चर्चा के विषय बने रही से। अभी देवो मुला इजाजत, देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। जय जोहार।